गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी ज्वाइन कर लें तो हम क्लास जो है आज की स्टार्ट करते हैं। विनोद जी वेलकम 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 वेलकम। तो ये बेटा पावर प्लांट के थोड़े बहुत और एमसीक्यू कर लेते हैं ताकि हमारे जो एमसीक्यू हैं ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए और उसके बाद हम आरईसी स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप कि वीडियो और फोटो आपको फोटो वीडियो एंड ऑडियो क्लियर होगी। ठीक है, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर होंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। विच ऑफ दीज इज ए फिजाइल फ्यूल, इसमें से फिजन वाला फिजाइल फ्यूल कौन सा है? ठीक है, तो नंबर वन, सुबह आपकी जल्दी हो गई। हाँ बेटा, आज हो गई है। देख बेटा, इसरो वाले में डिप्लोमा रिक्वायर्ड है बेटा। अगर आपका सीधा प्लस टू करके डायरेक्ट बीटेक कर रखी है तो उसमें आई थिंक नहीं है, तो आपको डिप्लोमा होना ही चाहिए, आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ओके बेटा, विच ऑफ दीज इज ए फिजाइल फ्यूल, तो फिजाइल फ्यूल कौन सा है इसमें से, जल्दी से बता दिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। ओके, तो फिजाइल फ्यूल कौन सा है, रिप्लाई करें ज्यादा से ज्यादा, रिप्लाई करें तो मजा आता है। ओके, जल्दी से रिप्लाई कर दें इसका, तो फिजाइल फ्यूल कौन सा है, फर्स्ट का, फर्स्ट ए बी सी डी। थोरियम है, कार्बन है, पोटाशियम है एंड ग्रेफाइट है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा ये पता नहीं। अरे मेरा बच्चा, देखिए बेटा, हमारे पास अगर नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, हम इतना ही लगा लें कि फ्यूजन में हम क्या यूज करते हैं। देखो, ग्रेफाइट तो हमने कभी भी फ्यूजन में कोई फ्यूल हम यूज नहीं करते। ठीक है, पोटाशियम हमने कभी सुना नहीं है, कार्बन के बारे में समझते हैं लेकिन कार्बन अकेला अकेला कार्बन कभी हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो हमारे पास ये तो थोरियम ही है एक, जिसको हम यूज करते हैं एज ए फिजाइल, फ्यूजन के लिए हम यूज करते हैं, फ्यूजन के लिए यूज करते हैं। इसको मैंने चैप्टर के अंदर भी पढ़ाया था आपको कि थोरियम जब हमारे पास होता है तो उसको थोरियम क्यों, क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में मिलता है ये थोरियम जो है, इंडिया में बहुत सारा मिलता है, इंडिया में बहुत है। ठीक है, बहुत मिलता है, इस तरह से लिख लो, मिलता है। ठीक है, इसलिए इसको यूज करते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा थोरियम को यूज करते हैं। ठीक है, यूज करते हैं। फीजन पता था। ओके, फीजन मतलब फिजाइल, देखो फीजन का फिजाइल क्या है, फिजाइल फ्यूल मतलब जिसके ऊपर आप फीजन कर सकते हो, फीजन कर सकते हो, उसी को फिजाइल फ्यूल बोलेंगे ना। ठीक है, फिजाइल उसे ही बोलेंगे बेटा। एडिशन ऑफ इनफाइनाइट्स, तो ये अमाउंट ऑफ हीट एट हाईएस्ट टेम्परेचर इज बिकॉज, मतलब हम एडिशन करते हैं, एडिशन करते हैं हीट का, एडिशन करते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, एट हाईएस्ट टेम्परेचर, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर के लिए क्यों करते हैं? ठीक है, टू इनिशिएट रीहीटिंग, टू इनिशिएट रीजनरेशन, टू इनिशिएट सुपर हीटिंग या नन ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें। तो हमारे पास क्या है कि कहता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर पे, हाईएस्ट टेम्परेचर पे हम और ज्यादा हीट ऐड करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बेटा ये क्यों करते हैं हम, सुपर हीटिंग के लिए, सुपर हीटिंग के लिए। जब हमारे पास इस तरह से ग्राफ बनता है, आपने देखा होगा ये, तो हमारे पास क्या करते हैं हम, हीट ऐड करते हैं, हीट ऐड कर, यहां से हीट 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 हीट, क्यों ये हीट ऐड क्यों कर रहे हैं, सुपर हीटिंग करने के लिए, सुपर हीटिंग करने के लिए, तो रीहीटिंग नहीं, सुपर हीटिंग के लिए। ठीक है, तो हीट ने सुपर हीटिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सेकंड का ए नहीं है बेटा, ये सी होगा। ठीक है, सी होगा। ओके, आगे चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बल्क ऑफ हाइड्रोकार्बन बिलोंग्स टू, ठीक है, विच ग्रुप। द बल्क ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा, बल्क मतलब ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा जो है वो इसमें यूज होता है, तो वो उसका नाम क्या है, पैराफिन है, आइसोप्रोफीन है, आइसोप्रोफीन है या साइक्लोप्रोफीन है, सी ऑप्शन है, साइक्लोप्रोफीन है, प्रोफीन है। ठीक है, सी ऑप्शन ये है, और डी ऑप्शन है एरोमेटिक, डी ऑप्शन है एरोमेटिक, ये मैंने आपको करवाया था, याद करो एरोमेटिक कौन से होते हैं, पैराफिन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको करवाया था, इसका थोड़ा सा अगर याद है तो आपको समझ आ जाएगा ये।
ठीक है, तो ये आपको याद आ जाएगा अगर आपने ये पढ़ा हुआ है कि पैराफिन एरोमेटिक, ये मैंने आपको फ्यूल वाले चैप्टर में बताया था। तो इसमें मोस्टली जो होते हैं ना बेटा वो होते हैं पैराफिन। वो कौन से होते हैं? पैराफिन। तो पैराफिन मोस्ट बल्क ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो मिलता है वो पैराफिन में मिलता है। वो किस में मिलता है? पैराफिन में मिलता है। नेक्स्ट करें बेटा, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट देखिए। हीट इज जनरेटेड इन न्यूक्लियर रिएक्टर बाय, देखो हीट जो जनरेट होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में वो कैसे होती है? फ्यूजन ऑफ एटम ऑफ यूरेनियम, फ्यूजन के थ्रू होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन इन यूरेनियम एटम, तो वो एब्जॉर्ब करता है। कंबस्टन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, कंबस्ट करते हैं मतलब आग लगाते हैं। या फीजन, यहां पे आना है फीजन, फीजन ऑफ यूरेनियम 235 बाय न्यूट्रॉन। ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे इजी वाला क्वेश्चन। तो ये तो इजी है, तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। फोर्थ का ए बी सी डी क्या ऑप्शन होगा आप बता सकते हैं, ठीक है, ए बी सी डी क्या ऑप्शन होगा आप बता सकते हैं। तो फोर्थ ए बी सी डी, इसका तो रिप्लाई कर दो बेटा, रिप्लाई कर दो इसका, तो इसका रिप्लाई कर दो। फोर्थ का ए बी सी डी क्या होगा आप रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। फोर्थ ए बी सी डी क्या होगा? तो हमारे पास ए बी सी डी, इसमें देखो तो सिंपल सी बात है बेटा, हमारे पास कौन सा है? ये फ्यूजन वाला। तो फ्यूजन के थ्रू करते हैं, फ्यूजन के थ्रू न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर अटैक करता है। फ्यूजन नहीं है बेटा, फ्यूजन है। देखो आप कंफ्यूज मत हो बेटा, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ होता तो मैं आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन आपको अगर न्यूक्लियर वाला चैप्टर मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, उसमें फ्यूजन के बारे में इतना बताया है, उसमें फ्यूजन की तो बात ही नहीं कही ना, फ्यूजन वाली तो बात ही नहीं की। न्यूक्लियर वाले में फ्यूजन होता है लेकिन हम इसमें यूज नहीं करते हैं, यूरेनियम वाले केस में। इसमें हम फीजन यूज करते हैं। फीजन हमें पता है कि एक एटम के ऊपर न्यूट्रॉन जब स्ट्राइक करता है तो तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो तीन न्यूट्रॉन आगे जाके स्ट्राइक करते हैं, तो इसको फीजन बोलते हैं। फ्यूजन बोलते हैं जब दो एटम्स मिल जाए, कंबाइन हो जाए, फ्यूज कर जाए एक दूसरे में, उसको फ्यूजन बोलते हैं। ये नहीं है, ये है, ये है, ठीक है। आप अगर रिप्लाई करते हैं तो मुझे ये पता लगता है बेटा, ये पता लगता है कि आपको कितना तक और ज्यादा करवाने वाला है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारा नहीं है, आगे चलते हैं। ये वाला है, विच ऑफ दीज इज अ वर्किंग फ्लूड इन लिक्विड फेज, वर्किंग फ्लूड इन लिक्विड फेज, मतलब हमारे पास कौन सा वर्किंग फ्लूड यूज करते हैं और वो लिक्विड फेज में हो, ठीक है। वॉटर है, स्टीम है, मरकरी है और ऑक्सीजन है। देखिए हमारे पास सिंपल सी बात बोले तो हमारे पास कौन सा यूज होता है बॉयलर के केस में? हम लिक्विड यूज करते हैं, वॉटर। तो वॉटर इज राइट आंसर, वॉटर इज राइट आंसर। तो हम इस वॉटर को राइट आंसर में पिक कर देते हैं। बात समझ आ गई बेटा, बात समझ आ गई, आगे चले। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, हाई मॉइस्चर कंटेंट इज इन्वॉल्व, यहां पे कहां गया, ये रहा, हाई मॉइस्चर कंटेंट इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ स्टीम बिकॉज, मतलब हाई मॉइस्चर कंटेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है जब एक्सपेंशन होती है, मतलब एक्सपेंशन होने के कारण, ये बात समझना, जब एक्सपेंशन होती है टर्बाइन के अंदर, जैसे हम यहाँ पे समझते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हम यहाँ पे एक्सपेंशन करते हैं टर्बाइन के अंदर, तो टर्बाइन के अंदर कैसे एक्सपेंशन, यहाँ पे जाएगा और ये टर्बाइन एक्सपेंशन करेगा, तो ये मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है, इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है। वो मॉइस्चर कंटेंट क्यों आता है, ठीक है, वो मॉइस्चर कंटेंट क्यों आता है? टू एंश्योर यूनिफॉर्म हीटिंग, की यूनिफॉर्म हीटिंग हो, टू एंश्योर यूनिफॉर्म कूलिंग, या टू ऑब्टेन अ हायर टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, या टू ऑब्टेन लोअर टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। तो देखिए बेटा मैंने जब अभी आपको बताया तो इसमें हमारे पास ये थी, नोट करने वाली थी कि हमारे पास जो टेम्परेचर है, देखो बेटा ये होता है लोअर टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद हीट करते हैं, हायर टेम्परेचर आता है और फिर ये नीचे आता है और ये इस तरह से चलेगा, ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो हमारे पास लोअर टेम्परेचर जितना है, हायर टेम्परेचर जितना है, इन दोनों का मीन लेना होता है, मीन लेना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे मीन लेना होता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा हीट एडिशन है, ये मीन है, ऊपर होना चाहिए, हायर ज्यादा से ज्यादा हम कर सकें हीट एडिशन कर सकें, तो हमारे पास क्या होगा, टू ऑब्टेन अ हायर टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, ठीक है, तो हायर टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कर सके, ठीक है, हायर टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कर सके, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। ये हो गया, आपके पास वीडियो स्लो आ रही है क्या, लेट आ रही है क्या?
हाँ जी बेटा, कौन? अंकित जी। अंकित बोलिए, अंकित बोलना चाहते हो कुछ आप? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी। सर। अभी मैं कल जस्ट ज्वाइन किया हूँ, तो सर मैं ये पूछ रहा था कि अभी मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँ। एक्चुअली मैं बिगनर हूँ अभी। बेटा मैंने आपको एक लिंक भेजा है, छोटा सा वीडियो का, देखो उसमें एसएससी जेई प्रिपरेशन का लिखा हुआ है। हाँ जी सर, इसमें भेजना है ऐप में। हाँ, ऐप में भेजा है, तो वो वीडियो देखो, उसमें मैंने बताया कि कैसे शुरू करना है आपने। हाँ जी सर, हाँ, ओके सर, उसको देखिए एक बार, ठीक है? ओके सर। ओके, चलो ठीक है बेटा। अब हमारे पास देखो, मैं फिर भी कहता हूँ जो भी ज्वाइन करता है बेटा, मैं आपको हमेशा कहता हूँ इसमें दो फोल्डर है, एसएससी जेई 2023 का, ठीक है, 2023 का है और 2022 का है, 2023 का है और 2022 का है। अब 2023 और 22 वाले में, 22 वाले में सिर्फ मेन जो हमें करना है वो करना है फिजिक्स। फिजिक्स जो है वो नहीं छोड़ना, फिजिक्स करना है। अगर आपने बिल्कुल ही, आपको बेसिक नहीं पता, अगर आपकी पहले से प्रिपरेशन है, पहले भी कहीं तैयारी की है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आपको फिजिक्स कर लें। फिजिक्स के बाद इधर आए, इसमें थर्मोडाइनमिक्स पहले करेंगे, थर्मो के बाद आईसी इंजन, फिर पावर प्लांट, ऐसे चलना है, ऐसे लाइन वाइज चलना है। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं बेटा। विच ऑफ दीज इज नॉट अ लाइटर फ्रैक्शन ऑफ फ्यूल ऑयल? इसमें से कौन सा जो फ्यूल ऑयल जो है उसका हमारे पास नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, गैसोलीन है, एविएशन ऑयल, हैवी डीजल ऑयल या बॉयलर फ्यूल? तो हमारे पास इसमें से नहीं है, हमारे पास इसमें से ये नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ओके ओके विनोद जी, ठीक है। तो हमारे पास लाइटर फ्रैक्शन ऑफ फ्यूल ऑयल, तो मतलब लाइटर फ्रैक्शन क्या है, मतलब हमारे पास इसमें से नहीं, फ्यूल ऑयल। तो हमारे पास ऑयल में देखें तो हमारे पास ये गैसोलीन निकलता है, एविएशन फ्यूल निकलता है, हैवी डीजल ऑयल निकलता है, बॉयलर फ्यूल नहीं निकलता। बॉयलर फ्यूल की बात करें तो कोयला है, तो कोयले में कहां से आ गया, ऑयल में तो आता नहीं है। तो हमारे पास ये राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर क्या होगा? डी आंसर राइट होगा। यूरेनियम 232 इज कन्वर्टेड इंटू यूरेनियम 233 इज एन डैश न्यूक्लियर रिएक्टर। तो हैवी वाटर मॉडरेटर, फास्ट ब्रीडर, थर्मल वाले में, एनरिच्ड यूरेनियम में, मतलब हमारे पास जो है थोरियम जो है 232 जो है वो कन्वर्ट किया जाता है यूरेनियम 233 में। वो किसमें किया जाता है, वो किसमें किया जाता है, कौन से रिएक्टर में किया जाता है, ये इसका पूछा गया है, इसका पूछा गया है। तो हमारे पास, मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में, आपको याद हो कि हमारे पास जहां पे यूरेनियम नहीं है, हम कहते हैं कि यूरेनियम है ही नहीं यार, मैं क्या करूं, तो हम क्या कहते हैं, थोरियम लाओ, उसमें फीजन रिएक्शन करवाओ, और रिएक्शन करवाने के बाद हमारे पास क्या होगा, यूरेनियम मिल जाएगा हमें, उसमें से यूरेनियम निकालते हैं हम। लेकिन वो करते कौन से वाले में है, तो वो करते हैं बेटा फास्ट ब्रीडर में। फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जो फास्ट ब्रीडर का मतलब क्या होता है, वो वाला न्यूक्लियर रिएक्टर जहां पे हम स्पीड स्लो नहीं करते, न्यूट्रॉन्स की स्पीड स्लो नहीं करते, हम पूरी फास्ट से चलते हैं, तो वो होते हैं फास्ट ब्रीडर। उसमें क्या होता है, थोरियम जो है वो यूरेनियम में कन्वर्ट होता है, थोरियम जो है वो यूरेनियम में कन्वर्ट होगा, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इन विच टर्बाइन द प्रोसेस प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी बाय मींस ऑफ नोजल कैप्ट क्लोज टू द रनर? बेटा ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वैसे तो हाइड्रोलिक्स में आ जाता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोलिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन पावर प्लांट में क्या करते हैं कि पावर प्लांट में हाइड्रोलिक्स वाला भी कवर करते हैं, लेकिन मैंने फ्लूइड मशीनरी के लिए रखा हुआ है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कौन सी ऐसी टर्बाइन है, कहता है कौन सी ऐसी टर्बाइन है जिसमें क्या करते हैं, इन विच द प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर, प्रेशर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट की जाती है काइनेटिक एनर्जी में बाय मीन्स ऑफ नोजल, नोजल उसके पास रखा जाता है। तो ये किया जाता है बेटा इंपल्स टर्बाइन में, वो किया क्या जाता है, इंपल्स टर्बाइन में हम क्या कर देते हैं, ऐसे नोजल रखते हैं, बहुत पास रखते हैं टर्बाइन के, और इसमें से ये स्ट्राइक कराते हैं वाटर को, टर्बाइन के ऊपर स्ट्राइक कराते हैं, ऐसे स्ट्राइक कराते हैं। तो हमारे पास जो प्रेशर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, तो हमारे पास इस तरह से टकराता है, ठीक है, रिएक्शन नहीं है, इंपल्स है। ओके गुड, इंपल्स है बेटा, ठीक है, इंपल्स है। विच ऑफ दीज एन आउटपुट ऑफ फर्नेस? फर्नेस में से ये क्या निकलता है, फ्यूल गैस, एयर, फ्लू गैसेस, वाटर वेपर, ये तो आपको पता ही होगा।
ये तो आपको पता ही होगा, इसमें ऐसे करवाने वाला कुछ है नहीं है, तो भी हम फिर भी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास फर्नेस में से क्या निकलता है बेटा, फर्नेस में से बार 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 हम कहते रहते हैं कि फ्लू गैसेस निकलती है, फ्लू गैसेस निकलती है। तो फ्लू गैसेस इज द राइट आंसर, फ्लू गैसेस इसका राइट आंसर है। ओके, विच इज द रिलेशन ऑफ द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एंड साइकिल एफिशिएंसी। तो साइकिल एफिशिएंसी और हमारे पास मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन में हमारे पास रिलेशन कौन सा है इसमें से, जल्दी से जी। फ्लू गैसेस वाला ठीक है बेटा आपका, फ्लू गैसेस वाला ठीक है आपका, आगे बोलिए इसका बोलिए। ठीक है, जो हमारे पास ठीक है वो अच्छी बात है, जो चीज है ठीक है, जो इसका बोलो बेटा। जी जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी से थोड़ा सा। हो गया इसका जी बेटा, तो ये क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हमारे पास ये होता है कि ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? मीन टेम्परेचर वाला, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एंड साइकिल एफिशिएंसी जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखते हैं, जो एफिशिएंसी साइकिल एफिशिएंसी का फॉर्मूला जब हम देखते हैं, उसमें हमारे पास मीन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो होता है मीन टेम्परेचर होता है, वो हमारे पास क्या कर देते हैं इस तरह से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये अगर बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, इसलिए हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज स्पेसिफाइज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच फ्यूल ऑयल कैन इग्नाइट। तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो बताती है कि मिनिमम टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर बताती है एट विच द फ्यूल ऑयल जो है वो इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, हीटिंग वैल्यू, विस्कोसिटी। ये सबसे आसान क्वेश्चन, आज का सबसे आसान क्वेश्चन, जिसमें कुछ भी नहीं करना, इसका सीधा सीधा आंसर बनता है, सीधा सीधा आंसर बनता है। ठीक है, जल्दी से बताइए। ये बात सही है, आंसर गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो यहाँ कोई कोई नहीं पूछने वाला, कोई आपको डांटने वाला नहीं है कि आपका आंसर गलत हो गया, गलत होने दो, होता है, जितने आंसर गलत होने होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई किसी को नहीं जानता, कुछ नहीं है, लिखो, इंटरेक्ट करो मेरे साथ जितना इंटरेक्ट कर सकते हो। तो शाबाश, ये फ्लैश पॉइंट होता है, फ्लैश पॉइंट होता है, फ्लैश पॉइंट वही होता है मिनिमम टेम्परेचर जहां पे फ्यूल जो है इग्नाइट करना स्टार्ट कर देता है, इग्नाइट करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपको करवाया नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एन इलेक्ट्रॉन हैज अ मास, ये क्योंकि ना केमिस्ट्री में आता है, एन इलेक्ट्रॉन हैज अ मास दैट इज अप्रोक्सीमेटली डैश दैट ऑफ प्रोटोन। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो मास है, वो जो हमारे पास प्रोटॉन है उसका कितने टाइम्स होता है, कितने टाइम्स होता है, 1/1.8 36 ये वाला होता है वैल्यू, ठीक है ए। तो दूसरा है 1/1836 या नन ऑफ मेंशन अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, ए ऑप्शन मैं यहीं पे लिख देता हूं। ए ऑप्शन क्या थी हमारे पास, ए थी 1/1.1836, ठीक है। तो ये होगी, मतलब हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन के मास का कितना होगा, ठीक है, इक्वल होंगे, 1836 टाइम होगा या 1836 डिवाइड में आएगा, कैसा आएगा, इसका कौन सा होगा, ठीक है। ए बी सी डी जो भी आपको गलत देना है, आंसर सही देना है, आपने बता देना है। देखो ये अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है, केमिस्ट्री में पढ़ी है, तो वो आप आंसर दे सकते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री सही नहीं पढ़ा तो आप आंसर सही नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, गुड बेटा। तो मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। पहले तो भाई साहब प्रोटॉन का मास बहुत कम है, उसका भी 1/1836, देखो 1/1836, भाई साहब ये चीज नोट करो। पहले मास इसका क्या है, ग्रामों में भी नहीं है, और हाँ, कुछ भी नहीं है, ये प्रोटॉन छोटे हैं, उससे भी छोटे। और कई कई बार यार मैं कहता हूं, हैरानी होती है
कि क्या क्या साइंटिस्ट हैं, क्या क्या दिमाग है, कि उन्होंने कैसे कैसे वैल्यूज आपको निकाल के दिए हैं। हैरानी वाली बात है यार। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास से 1836 टाइम्स होता है। ओके, प्रेशर ऑफ वाटर इज ऑफ इज एटमोस्फेरिक एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट वाइल पासिंग ओवर द रनर। तो ये क्या है, प्रेशर ऑफ वाटर इज एटमोस्फेरिक, मतलब प्रेशर जो है वो वाटर का एटमोस्फेरिक है। ठीक है, एटमोस्फेरिक है एंड रिमेन कांस्टेंट, और कांस्टेंट रहता है वाइल पासिंग ओवर द रनर, रनर के ऊपर भी जाते हुए प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह की टरबाइन को क्या कहते हैं हम, इस तरह की टरबाइन को मैं आपको इंपल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, बोथ इंपल्स रिएक्शन टरबाइन या नन ऑफ द अबव। तो ये कहता है कि प्रेशर जो है ना रनर के ऊपर जब निकलता है, रनर के ऊपर निकलता है तो वो चेंज नहीं होता, रनर के ऊपर से निकलता है तो वो चेंज नहीं होता, तो वो इस टर्बाइन को कहते हैं इंपल्स टर्बाइन। इस टर्बाइन को क्या कह देते हैं हम, इंपल्स टर्बाइन बोल देते हैं, इंपल्स टर्बाइन बोल देते हैं। नेक्स्ट चलें, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम पावर प्लांट। अब ये भी आंसर मैं दूं, मैं तो नहीं दे रहा बेटा आंसर, इसका आंसर मैं नहीं दे रहा, ये तो आप ही बता देंगे। ठीक है, ये तो आप ही बता देंगे, आप बता दीजिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी आउटपुट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट से कौन सी एनर्जी हमें मिलती है। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी, शुक्र है शुक्र है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें। चलो, टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर कैन बी लोड बाय यूजिंग, तो टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन मतलब हीट रिजेक्शन का टेम्परेचर जो है कंडेंसर में कम किया जा सकता है, कैसे, लुब्रिकेंट के मदद से, ऑयल की मदद से, रेफ्रिजरेंट की मदद से या डीजल की मदद से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, 17 का बेटा, 17। टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, रिजेक्शन इन कंडेंसर, तो कंडेंसर में हीट रिजेक्ट करते हैं बेटा, आपको पता है, उसको लोअर करना टेम्परेचर, तो उसके लिए आप याद रखें हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट, तो ये आरएसी में वो और ज्यादा हम पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेशन में हम पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्यूल डज नॉट कंटेन ऐश, तो ऐश नहीं होती। ठीक है, ऐश वो वाली ऐश नहीं, ठीक है, ऐश जो आप करते हो वो नहीं, ऐश राख, राख नहीं होती, कोल, फ्यूल ऑयल, नेचुरल गैस या सिंथेटिक फ्यूल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, तो ऐश नहीं होती, ठीक है, ऐश नहीं होती, ऐश नहीं होती, अरे मेरा बच्चा, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी, तो ऐश नहीं होती एग्जैक्टली, हम बोले तो इसमें से ऐश जो होती है ना बेटा, राख जिसे हम कह देते हैं, जब हमारे पास ऑयल भी जलता है ना, ऑयल जलता है तो उसमें भी आप देखो कार्बन के पदार्थ निकलते हैं, आप ध्यान करो, तो कार्बन के पदार्थ निकलते हैं जब भी हम ऑयल को भी जलाते हैं, तो हमारे पास बेटा कोयले में तो हमें पता ही है निकलता है, फ्यूल ऑयल में भी निकलता है, और सिंथेटिक फ्यूल में नेचुरल गैस है जो ऐश नहीं बनाती, क्योंकि वो पहले ही गैशियस फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में है तो वो नहीं बनाती बेटा। ठीक है, वो क्या करती है, ऐश नहीं बनाती, तो नेचुरल गैस इसका राइट आंसर होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट नीड अ कंट्रोल रोड, कि कंट्रोल रोड की इस्तेमाल नहीं जरूरत पड़ती, CANDU रिएक्टर, कैन ड्यू रिएक्टर, लिक्विड मैटर कूल्ड रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा होगा, इसका राइट आंसर कौन देता है देखते हैं, इसका राइट आंसर कौन देता है ये चीज देखते हैं। ठीक है जी, वेलकम पद्मलोचन, लेट हो गए थोड़ा सा, आने में लेट हो गए आप, ठीक है, जल्दी से करिए इसको, जल्दी से क्विक। ठीक है, 19A, 19B, 19C, 19D, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं पोल दे दूं क्या, पोल 19 का, लो पोल ऑप्शन आएगा आपके पास, उसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, जिसको नहीं पता वो देखिए पोल लिखा हुआ है कहीं पे, POLE पोल, उस पर क्लिक करना है आपको, और उसमें हमारे पास ऑप्शन आएंगी ABCD, ABCD, तो वो बता दीजिए। आपके पास पोल नहीं आ रहा क्या, बी आ रहा है, शुक्र है,
तो इसमें बेटा आपका, जी शाबाश, तो बेटा आप सबका जो जान के आंसर खुशी हुई कि आइडिया नहीं है, ग्रेट। तो बेटा इसमें से याद कर लो कि कंट्रोल रोड हर किसी में इस्तेमाल होती है, कंट्रोल रोड हर किसी में इस्तेमाल करती है, तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें नहीं होती, तो नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इनमें तो कंट्रोल रोड होती ही होती है, तो जहां पे फ्यूजन होगी कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल होगा ही होगा। जैसे हम ये कहते कि कौन सी ऐसी बाइक है जिसमें रेस नहीं होती, जैसे रेस नहीं है तो भाई होनी चाहिए पड़ेगी, कार है बिना रेस के क्या करोगे, तो भाई रेस कितनी देनी है कितनी नहीं, जो हमारे हाथ में है। इसी तरह कंट्रोल रोड कंट्रोल करती है फ्यूजन रिएक्शन को, तो वो हमारे हाथ में होना ही चाहिए, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ओके नेक्स्ट चलते हैं। द एनर्जी ऑफ वॉटर एंटरिंग द रिएक्शन टर्बाइन, द एनर्जी ऑफ वॉटर एंटरिंग द रिएक्शन टर्बाइन इज फुली द काइनेटिक एनर्जी, फुली द प्रेशर एनर्जी, पार्शली पार्शली द प्रेशर एनर्जी एंड पार्शली द काइनेटिक एनर्जी, अनप्रिडिक्टेबल। तो इसको आप अभी मैं दे देता हूं, बता देता हूं इसके बारे में, लेकिन मतलब अभी आपको नहीं करने की जरूरत, अभी आपको करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। मैं थोड़ा सा और ज्यादा आपको समझाऊंगा वाटर वाले केसेस में। तो वाटर वाले केसेस में बेटा होता क्या है, जब रिएक्शन टर्बाइन होती है, जब कौन सी होती है, रिएक्शन टर्बाइन, तो रिएक्शन टर्बाइन में दोनों चीजें मिक्स होती हैं, ठीक है। पहली बात, प्रेशर एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है, दोनों होती है, दोनों होती है। लेकिन इंपल्स की बात करें तो इंपल्स में हम ज्यादा से ज्यादा यही होता है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो, कि सारी की सारी प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदली जाए, किसमें, नोजल के थ्रू, ये नोजल के थ्रू, और यहां पे जो स्ट्राइक कराया जाए, यहाँ पे जो स्ट्राइक कराया जाए इंपल्स टर्बाइन के ऊपर, इंपल्स के ऊपर, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो। लेकिन रिएक्शन टर्बाइन में दोनों होती है, प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों ही होती है, दोनों ही होती है। ओके मिक्सअप होता है बेटा, मिक्सअप होता है इन दोनों का। आई होप ये चीज क्लियर है आपको, ये चीज क्लियर है। ओके नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट एक और एमसीक्यू करते हैं, ठीक है, एक और एमसीक्यू करेंगे। एक और एमसीक्यू करते हैं, यहां पे आ जाते हैं बेटा जी, तो इसमें आ जाइए, ये देखिए, ठीक है। आई होप ये सही दिख रहा हो आपको, ये सही दिख रहा हो, ये सही दिख रहा है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस डज स्टीम पावर प्लांट अंडरगोस, तो इसका राइट आंसर देना है आपको, राइट आंसर देना है आपको, एडियाबेटिक, साइक्लिक, इरिवर्सिबल या एक्सपेंशन। तो ये क्या कहता है कि जो प्रोसेसेस होती हैं स्टीम पावर प्लांट में, वो कैसी चलती है, अंडरगोस, एडियाबेटिक चलती है, साइक्लिक होती है या इरिवर्सिबल होती है, तो एक्सपेंशन। तो आप ध्यान करोगे तो हमारे पास स्टीम पावर प्लांट में रैंकाइन साइकिल की बात करें तो रैंकाइन साइकिल में कुछ इस तरह से चलता है बेटा, इस तरह से चलता है, और ये क्या प्रोसेस होती है, साइक्लिक, साइक्लिक प्रोसेस होती है, मतलब इसी तरह से इसी के अंदर चलता रहता है, पानी से स्टीम बनाओ, स्टीम से पानी बनाओ, ऐसे ही चल रहा है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होती है बेटा, वो क्या होती है, एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स नेसेसरी ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम, एक्सपेंशन जब हम स्टीम की करते हैं तो ये सबसे ज्यादा जो है नेसेसरी क्या हो जाती है, रीहीट, रीजनरेशन, रेफ्रिजरेशन या सुपर हीट, ठीक है, क्लॉकवाइज चलता है बेटा विनोद, क्लॉकवाइज चलता है, हाँ क्लॉकवाइज चलता है, शाबाश, ठीक है, शाबाश। जब हम कहते हैं क्या करते हैं, देखो वर्डिंग को समझना, जब तक वर्डिंग नहीं समझ आती, यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स नेसेसरी, नेसेसरी कब, एक्सपेंशन जब हो रही हो स्टीम की, स्टीम की एक्सपेंशन हो रही हो, जब हमारी पे स्टीम की एक्सपेंशन हो रही होती है तो बहुत ही अच्छा रहता है जब हम रीहीट कर लें उसे। जैसे मैंने आपको बताया था इसमें, तो हमारे पास क्या था, इसमें आता है बेटा ये स्टीम की जब एक्सपेंशन हो रही होती है दोबारा हम रीहीट कर लेते हैं, रीहीट करके फिर दोबारा इधर डालते हैं, तो रीहीट जो है हमारे पास इज द राइट आंसर। एक्सपेंशन ऑफ स्टीम जब होती है तो इसमें सबसे अच्छा रहता है कि हम इसको रीहीट कर लें, रीहीट कर लें। ओके विच ऑफ दीज गैसेस इज द रीजन फॉर मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल गैस एज क्रायोजेनिक टेम्परेचर, तो ये हमारे पास ऑप्शन है बेटा, देखो ऑप्शन है मिथेन, इथेन, प्रोपेन या बेंजीन, प्रोपेन है, सी है, प्रोपेन,
प्रोपेन, और डी है हमारे पास बेंजीन, बी इस बेंजीन, बी ई एन बेंजीन, तो ये हमारे पास है। देखो ये आपको नहीं पता होगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको फिर भी बता देता हूं। क्रायोजेनिक टेम्परेचर क्या है? क्रायोजेनिक टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, लोअर से लोअर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जाके बहुत ज्यादा ठंडक हम यूज करते हैं, ठीक है। बात बात को समझना, देखो एग्जैक्ट हम बोले, देखो क्रायोजेनिक, ठीक है, इसको लिख कर लो जल्दी से, पहले समझ लो थोड़ा सा, नहीं तो नहीं समझ आएगा, ठीक है। क्रायोजेनिक टेम्परेचर की बात करें तो बेटा लोअर से लोअर टेम्परेचर कितना, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हमारे पास बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर जो होता है माइनस में जाना चाहिए, -273 डिग्री सेंटीग्रेड एब्सोल्यूट जीरो होता है। अगर आप करोगे देखो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे बर्फ बन गया, और ज्यादा नीचे 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 आते जाओ -273 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास जीरो मिनिमम टेम्परेचर होता है, इससे ज्यादा जीरो जा नहीं सकता, जीरो केल्विन होता है यहाँ पे। तो हमारा अगर -150 पे काम करें, -150 पे काम करें, और -150 से लेके यहां तक जितना काम हो, इसको हम कहते हैं क्रायोजेनिक टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर काफी कंपनियों में काम होता है कि कई चीजों को इसके अंदर रखा जाता है इतने कम टेम्परेचर पे। 150 से नीचे, 150 से भी नीचे जब रखा जाए तो उसको क्रायोजेनिक टेम्परेचर बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे रखना है किसको, ठीक है, किसको रखना है, हमें मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल गैस को रखना है। ये क्वेश्चन पूछे कम जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें करने पड़ते हैं, क्या पता लगता है क्या चीज पूछते। तो आपको इसमें यूज करनी होती है बेटा मीथेन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी एसएससी जेई में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, इसलिए हमें करवाना पड़ता है ये चीज। क्या पता लगता है भाई साहब उनका, ठीक है, उनका कुछ नहीं पता क्या आप चीज पूछ ले, तो हमें सब कुछ करवाना पड़ता है कि भाई साहब ये भी कर लो वो भी कर लो। तो क्रायोजेनिक टेम्परेचर याद कर लो कि -150 से लेके डाउन जाए, इतना टेम्परेचर डाउन जाए उसको हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर बोल देते हैं। क्रायोजेनिक इंजन भी होता है क्या? हाँ जी सर होता है बेटा। तो हमारे पास जो होता है कि बहुत ही लोअर टेम्परेचर पे जाके इंजन, मतलब हमारे पास बहुत लोअर टेम्परेचर में जाके फ्यूल को लिक्विफाई किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन हो गए नाइट्रोजन हो गए, इनको लिक्विफाई करके तब हमारे पास, अब जो लिक्विड नाइट्रोजन की बात करते हैं तो कितना कम टेम्परेचर में, माइनस में टेम्परेचर में लिक्विफाई रहता है वो, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटा, ओके, द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल, ठीक है, हैविंग अ हाफ लाइफ ऑफ 100 इयर्स रिमेनिंग आफ्टर 400 ईयर विल बी डैश ऑफ इट्स ओरिजिनल वेट, ये बेटा मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, ये चीज मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, ये हमें अलग से करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन अगर आता है, अगर आता है तो इसको थोड़ा सा करवाना पड़ेगा। इसके अंदर हमारे पास रेडियो एक्टिव मटीरियल है, उसकी लाइफ के बारे में बताते हैं कि हमारे पास लाइफ कैसी रहेगी। तो अभी के लिए हम इसको एक बार रहने देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं, एक बार क्वेश्चन जो है उसको पढ़ लो बस, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लो, तो उसके बाद आगे करेंगे इसका ओरिजिनल वेट के किस तरह से हमें करना है, ठीक है, इसको अलग से हम कराना पड़ेगा आपको, इसको रहने दो क्योंकि ये अभी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंपल्स टर्बाइन, इंपल्स टर्बाइन की एग्जांपल कौन सी है, ये आपने पढ़ा ही होगा बेटा, ये तो हाइड्रोलिक्स में पढ़ा है, ठीक है, फिर तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप बता दें, ठीक है, हाइड्रोलिक्स में जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो वो इसका बता दें। उसका आंसर है बेटा 1/16, उसका जो आंसर है ना ये वाला, रट्टा ही मारना है तो इसको रट्टा मार लो एक बार, 1/16, क्योंकि इसके लिए हमें भी थोड़ा सा स्टडी अलग से करना पड़ता है बेटा इस तरह के क्वेश्चंस का, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं, ये बीएससी में बच्चे वो शायद वो उनमें आता है कि रेडियो एक्टिव मटीरियल, हम जैसे ना कई बार पदार्थ मिलते हैं जमीन में से, हम कह देते हैं ये इतने साल पुराना है, वो उसकी स्टडी क्या है, रेडियो एक्टिव उसमें से कितने एलिमेंट निकल रहे हैं, वो उसके बेस पे होता है कि एज कितनी है, हम जमीन में से खोद के निकालते हैं उसको बताते कितनी एज है, ये पत्थर कितना पुराना है, ये कोयला कितना पुराना है, वो उसकी स्टडी अलग से होती है। तो इसको अभी ये पढ़ दो, इसका बता दो, फिफ्थ वाले का बता दो बेटा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इंपल्स टर्बाइन, क्योंकि आपकी अगर थोड़ी सी भी तैयारी है, आपकी अगर थोड़ी सी भी तैयारी कर रखी है आपने जेई के एग्जाम की, तो इसका आप राइट आंसर दे देंगे,
ठीक है, इसका राइट आंसर देंगे। अरे मेरे बच्चे, कैप्लन नहीं है विनोद, पेल्टन व्हील है, पेल्टन व्हील, पेल्टन व्हील, पेल्टन व्हील। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ो चीजों को, ठीक है। देखो इतना कुछ मैंने आपको करवाया है, ठीक है, इतना कुछ करवाया है, तो आपको मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है रिवीजन में भी रखो। ये नहीं है कि हम आगे दौड़ रहे हैं और पीछे वाले चीज छोड़ रहे हैं, तो वो नहीं करना। देखो थर्मोडायनेमिक्स है, जैसे अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स करनी है तो अब दोबारा फोल्डर ओपन करो और थोड़ा सा स्पीड पे देख लो कि जो चीजें आती है ठीक है, जो नहीं याद तो उनको दोबारा पढ़ सुन लो मेरे से, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं विनोद, कोई बात नहीं, वो तो चलता है। मैं आपको फिर से कहूंगा आंसर जरूर दे, आंसर जरूर दे, गलत दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करो बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, वॉटर दैट इज फेड बैक टू द बॉयलर बाय द पंप इज कॉल्ड। तो हम दोबारा जब डालते हैं, दोबारा जब डालते हैं तो हमारे पास ये कहता है वॉटर दैट इज फेड बैक टू द बॉयलर बाय पंप, मतलब हमारे पास पंप है, यहाँ पे पंप के थ्रू दोबारा बॉयलर में डालते हैं, तो उसको कहते क्या है, उसको कहते नाम बोलते हैं, एब्जॉर्बेट बोलते हैं, एब्जॉर्बेट बोलते हैं, ये भी सेम आ गया, ठीक है। कंडेंसेट बोलते हैं, कंडेंसेट बोलते हैं, तो ये कंडेंसेट बोलते हैं बेटा, ठीक है, कंडेंसेट बोलते हैं, जो हमारे पास कंडेंसेट बोलते हैं कि कंडेंसेट हमारे पास होता है, कंडेंसेट बोलते हैं बेटा, कंडेंसर से जो निकलता है उसको कंडेंसेट बोल देते हैं, कंडेंसेट। ओके, डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द विच विच इज द ड्रॉबैक ऑफ द स्टीम एज वर्किंग सब्सटेंस इन पावर साइकिल। हमारे पास क्या है ड्रॉबैक, नेगेटिविटी क्या है, या हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है, ये आपको नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा होगा ना। विच इज द ड्रॉबैक ऑफ द स्टीम एज अ वर्किंग सब्सटेंस इन पावर साइकिल। तो हमारे पास ड्रॉबैक बताना है, तो ड्रॉबैक आप देखोगे बेटा, इन अ वेपर पावर साइकिल मैक्सिमम टेम्परेचर विच कैन बी ऑब्टेन्ड विद द बेस्ट अवेलेबल मटेरियल इज मोर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड रिक्वायर लार्ज सुपर हीटिंग। देखो हमारे पास ये कहता है कि नेगेटिविटी, आपको बता दूं, पहले बता दूं कि ये सारे इसकी नेगेटिविटी है, ठीक है, नेगेटिविटी है। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो इसका मैक्सिमम आप टेम्परेचर अटेन करना चाहते हो, वो बहुत हम करते हैं जब सुपर हीटिंग के थ्रू हमें बहुत ज्यादा करके हमें करना पड़ता है, ठीक है, मैक्सिमम। अब देखो मैक्सिमम टेम्परेचर जो हम पा सकते हैं कि बेस्ट मटेरियल लगाएंगे, बेस्ट अच्छा से अच्छा लगाएंगे ताकि वो पिघले ना मटेरियल, ठीक है, इज मोर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर के क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है और उसको बहुत ज्यादा सुपर हीटिंग करने की जरूरत पड़ती है। और दूसरा, इट अलाउज ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एडिशन एट हायर टेम्परेचर, कि हायर टेम्परेचर पे और ज्यादा हीट हम ऐड करना चाहते हैं वो बहुत कम है। इट रिक्वायर्स रीहीट एंड रीहीटर ट्यूब्स आर कॉस्टली। तो रीहीटिंग करना, रीहीटर लगाना, ये कॉस्टली पड़ जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारी जो है हमारे पास नेगेटिविटी है, इसकी ड्रॉबैक्स है इसके, कि हम ये सभी जो बातें हैं ये हमारे पास क्या है, ड्रॉबैक्स है इसके, ड्रॉबैक्स है इसके। ओके, नेक्स्ट करिए। द गैस विच कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू हीटिंग वैल्यू ऑफ नेचुरल गैस इज, गैस विच कॉन्ट्रीब्यूट टू मैक्सिमम टू हीटिंग वैल्यू ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में मेन कंपोनेंट कौन सा होता है जो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूट करता है कि मैक्सिमम उसके अंदर हीटिंग वैल्यू आए, हीटिंग वैल्यू, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या मीथेन। तो बेटा देखो ये तो ऑप्शन वैसे ही काट कट कर दो ना, ये कार्बन मोनोक्साइड हो ही नहीं सकता, ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड तो जलने के बाद हमें मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो नहीं सकता, वो कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ा ना कभी कुछ बनता है, हाइड्रोजन अकेली हम सोच सकते हैं या मीथेन। तो नेचुरल गैस में हम देखें तो हमारे पास मीथेन होती है, ये गैस होती है जो मेनली कंट्रीब्यूट करती है, मेनली कंट्रीब्यूट करती है। तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं बेटा, ये भी रेडियो एक्टिव वाला आ गया, इसको छोड़ सकते हैं हम, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। ये आ गया, द रनर ऑफ डैश टर्बाइन ऑलवेज बी अंडर प्रेशर ऑफ अबव अबव एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो ज्यादा जो टर्बाइन जो है, रनर जो है, वो उसका टर्बाइन का रनर जो है प्रेशर में रहता है अबव एटमोस्फेरिक प्रेशर, अबव मतलब ज्यादा एटमोस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा के ऊपर में रहता है। तो हमारे पास वो क्या है, टर्गो है, टर्गो टर्बाइन, गिरेन टर्बाइन या कैप्लान। तो इसका राइट आंसर है कैप्लान टर्बाइन, ये हमारे पास अंडर प्रेशर अबव एटमोस्फेरिक प्रेशर रहती है, कैप्लान टर्बाइन जो है वो अबव एटमोस्फेरिक प्रेशर पे रहती है। द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी
इन स्टीम पावर प्लांट इज, तो नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका राइट आंसर आप जरूर दें बेटा, ठीक है, इसका राइट आंसर जरूर दें। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, इसका ऑप्शन दे रहा हूं, इसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें बेटा, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन का ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास ऑप्शन है, आपने क्लिक करना बेटा इसके ऊपर, आपके सामने पोल आ गया, तो ये हाजिर है आपके सामने। और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाली की बात है, जैसे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है ना, वही बात है। तो हमारे पास नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ स्टीम पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नेट नेट मतलब क्या है इस चीज का देखो। तो बेटा नेट क्या है इसका मतलब समझो, तो हमारे पास क्या है कि हमने बॉयलर में क्या करना, ये देखो पानी है हमारे पास, पानी पंप ने इसकी एंथैल्पी बढ़ाई, मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, बॉयलर ने इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी, फिर उसके बाद ये आगे गया टर्बाइन के ऊपर, अपनी इंटरनल एनर्जी उसने यूज कर ली, उसके बाद कंडेंसर में गया और ज्यादा अपनी एनर्जी छोड़ दी और फिर वापस पहुंचा। तो ऐसा करने से हमें पता लगा कि नेट एनर्जी जो थी, चेंज इन नेट इंटरनल एनर्जी, वो जीरो हो गई, मतलब जितनी इसने ऐड की, जितनी इसने ऐड की, यहां से उतनी बाहर चलेगी, यहां से उतनी बाहर चलेगी, तो नेट जो है वो हमारे पास क्या रहता है, जीरो रहता है नेट नेट। ये बेटा कुछ इस तरह से है कि जैसे आप खाना खाते हो घर पे, ठीक है, मम्मी पापा आपको खाना खिला देते हैं, आपके पास इंटरनल एनर्जी चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरनल एनर्जी मिले ताकि आप थोड़े तगड़े हो जाओ ना, है ना, हर मम्मी पापा चाहते होते हैं, मम्मी सबसे ज्यादा चाहती होती है कि मेरा बेटा तकड़ा बन जाए थोड़ा, है ना, बलवान दिखे। तो जब आप खाना खाते हो, लेकिन आप क्या करते हो, यहां से सुबह निकले, वहां वहां ये शहर वो, इस शहर में वहां गली में, यहाँ गए यहाँ गए वहां गए, सारा दिन घूमते रहे, सारा दिन घूमते रहे, अपनी एनर्जी घूमने में लगा दी, अपनी सारी एनर्जी घूमने में लगा दी, वापस आए घर में मरे मरे, पापा मम्मा रोटी दे दो, है पापा कह गए सुबह खिला के भेजी थी ना, है ना, वो कहाँ गई, वो सारी एनर्जी गलियों में धक्के खा के चली गई, वो इधर उधर धक्के खाने में चली गई, एनर्जी बॉडी के ऊपर नहीं लगी। इसीलिए आप देखना यंग बच्चे जो होते हैं ना, आप देखोगे जितने भी आपकी एज हुई होंगे पतले पतले से होंगे, मैं खुद यार बहुत बुरा हाल था मेरा, आपको अगर दिखाऊं तो ऐसा सूखा पड़ा था बिल्कुल, ठीक है। तो वो क्या है कि आपके अंदर इंटरनल एनर्जी रह ही नहीं रही, आप जो भी खा रहे हो उसको बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, यूज कर रहे हो, तो इसीलिए यही होता है। तो यही आप जब थोड़ा सा काम में घुस जाते हो, ठीक है, इधर उधर जाते नहीं हो कहीं, आप जैसे मैं आपको बताऊं कॉलेज की लाइफ में हम जैसे चंडीगढ़ में थे तो भाई पैसे नहीं थे जेब में, तो जेब में पैसे नहीं तो हमें ऑटो करना पड़ता था, तब 5 रुपए लेते थे शायद, तो वहां 5 रुपए 5-5 किलोमीटर दूर जा सकते थे, 5 रुपए बचाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चल लेते थे, ठीक है। तो जब आप थोड़े से जब जॉब में आते हो तब आप पैदल चलना छोड़ देते हो, इंटरनल एनर्जी मतलब अंदर बॉडी के अंदर ज्यादा एनर्जी रहने लग जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉयलर इसमें पंप ने एनर्जी दी, बॉयलर ने एनर्जी दी, वो एनर्जी यहां भी बाहर चली गई, यहां भी बाहर गई, नेट क्या रहा, कुछ नहीं, हाथ में क्या घुसा, कुछ नहीं मिला हमें, हमें कुछ नहीं मिला, बात समझ आ गई। ओके जी आगे चले बेटा, देखे फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ वेपर पावर साइकिल व्हाट शुड बी द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड, तो हमारे पास कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए वर्किंग फ्लूइड शुड हैव क्रिटिकल टेम्परेचर एज लो एज पॉसिबल, वर्किंग फ्लूइड जो है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर आपको याद है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर याद है आपको, ये वाला इस तरह से हम देखते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट है इसका, तो ये कहता है कम से कम होना चाहिए, वर्किंग फ्लूइड शुड हैव क्रिटिकल टेम्परेचर एज हाई एज पॉसिबल, कहता है ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर डज नॉट इफेक्ट, ये कहता है ना जी कोई फर्क नहीं पड़ता या नन ऑफ द अबव, तो हमारे पास इसका राइट आंसर कि ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होगा तो उतनी ज्यादा हम उसमें हीट ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। कोल कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ ड्यूरियन, तो ये थोड़ा सा अजीब सा बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा नहीं होगा, तो अजीब सा वर्ड है, पहले तो ड्यूरियन क्या होता है,
जुड़ियान क्या है कि हमारे पास जैसे ना एक छोटे छोटे पदार्थ, लाइक छोटे छोटे पदार्थ है जो क्या है कि फायदा नहीं देते, ठीक है, फायदा नहीं देते कोयले में, तो वो क्या है हमारे पास, उसको कहते क्या है? तो बेटा इसको याद कर लो, आपका कोई सोल्यूशन नहीं है। जुरियान क्या है, पदार्थ है कोयले के अंदर, कोयले के अंदर वो क्या कर देता है, वो उसके कारण मतलब फायदा नहीं है इस चीज का, उसको स्प्लिंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लिंट। तो कहीं लिख लो जुरियान, जुरियान इन इन कोल, कोल इज कॉल्ड स्प्लिंट, कॉल्ड स्प्लिंट। तो अब ना भी हमने कभी पढ़ा हो इसके बारे में, कभी हमने कहीं पे किसी सब्जेक्ट में ना भी पढ़ा हो, अगर हमारे सामने आता है तो हमें कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा कि इसका आंसर तो स्प्लिंट था। तो हम स्प्लिंट पे क्लिक करेंगे और हमारा आंसर सही हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। ओके बेटा, ओके नेक्स्ट करें। तो ये भी रेडियो एक्टिव वाला आ जाएगा, इसको छोड़ दो, आगे यहाँ पे आ जाओ। ओके, व्हाट इज द हेड ऑफ वाटर अवेलेबल एट टरबाइन इनलेट इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट? अगेन अगेन यार ये भी, अरे यार मिक्स कर दिया मैं ना क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है, ये बने पड़े हैं पावर प्लांट के एमसीक्यूज, तो ये मिक्स हो गए थोड़े से, तो हाइड्रो वाले भी मिक्स हो चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। ये मेरी थोड़ी सी गलती है, मैंने देखा नहीं, मुझे लगा पावर प्लांट के एमसीक्यू है तो आप मैंने उठा लिए, तो थोड़ी सी मेरी गलती है कि इसमें हाइड्रो का आ गया, तो हाइड्रो का आ गया अभी रहने दो फिर इसको, हाइड्रो का रहने दो क्योंकि तो फायदा नहीं। आप कहोगे सर हाइड्रो वाला मैंने किया ही नहीं। जब द प्रोडक्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड हीट ट्रांसफर टू द वर्किंग फ्लूइड इज, तो प्रोडक्ट ऑफ एफिशिएंसी की हमारे पास एक साइड ले लें और प्लस इनको मल्टीप्लीकेशन कर दें किसके साथ, हीट ट्रांसफर टू द वर्किंग फ्लूइड, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? देखो सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है। देखो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है कि आपने आउटपुट कितना दिया और इनपुट कितना था, इनपुट कितना था। तो अगर हमारे पास इसमें देखें तो हम क्या चाहते होते हैं, हम चाहते होते हैं कि हमारे पास वर्क डन मिले आउटपुट में और हीट इनपुट दे दे हम अंदर। अगर एफिशिएंसी को हीट इनपुट के साथ ऐड करें तो हमारे पास क्या निकलेगा, वर्क। तो हमारे पास इन दोनों को गुणा करने से, अब देखो हिंदी जो है, सॉरी वर्डिंग जो है, अगर वर्डिंग में बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड हीट ट्रांसफर टू द वर्किंग फ्लूइड इज, तो अजीब सा लगता है, लेकिन ऐसे देखें तो हमें समझ आ जाता है। तो हमारे पास ये क्या है, वर्क डन। तो हमारे पास क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन हमें मिलता है, नेट वर्क डन हमें मिलता है, वर्क। शाबाश विनोद, शाबाश। ओके 17 करिए बेटा, 17 करो आगे। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइडियल वर्किंग फ्लूइड यूज्ड इन वेपर पावर साइकिल? तो स्पेसिफिक हीट जो है आइडियल वर्किंग फ्लूइड में इज वो क्या है, इट शुड बी कॉन्स्टेंट, इट शुड बी लार्ज, इट शुड बी स्मॉल और नन ऑफ द अबव। डी है हमारे पास, डी है नन ऑफ द अबव। ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। तो स्पेसिफिक हीट जो है आइडियल वर्किंग फ्लूड में ज्यादा से ज्यादा ही होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, या कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। कॉन्स्टेंट होनी चाहिए या शुड बी लार्ज होनी चाहिए या स्मॉल होनी चाहिए स्पेसिफिक हीट? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दे बेटा। हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ रिप्लाई सारे किया करो यार बेटा, एक तो रिप्लाई नहीं करते फिर मजा नहीं आता ना। ठीक है चलो बेटा, ठीक है जी, इट शुड बी कॉन्स्टेंट, शुड बी लार्ज, ठीक है। तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट, हम देखो स्पेसिफिक हीट को समझते कैसे, अगर आपको स्पेसिफिक हीट नहीं पता तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि मतलब क्या है। देखो मतलब क्या है, मेरे पास पानी पड़ा है बेटा, पानी पड़ा है, 1 किलोग्राम पानी को गर्म करना है हमने, क्या करना है, 1 किलोग्राम पानी को
गर्म करना है। तो हम क्या चाहेंगे, हमारी इच्छा क्या होगी? देखो जब तक इच्छा नहीं पता लगती तब तक हमें कोई कुछ नहीं पता लगता। हमारी इच्छा ये है कि पानी गर्म हो जाए और कम से कम हमारी एनर्जी लगे, हम तो यही चाहते हैं। और इंसान का यही रहता है कि भाई साहब मेरी तरफ से कम चीज लगे और हमारा काम हो जाए, हम तो यही चाहते होते ना। तो हम चाहते हैं कि 1 किलोग्राम पानी को गर्म करने के लिए हीट कम से कम लगे, हीट कम से कम, सॉरी कम से कम लगे, यही हम चाहते हैं लगे। और जितनी हीट लगती है 1 किलोग्राम पानी को गर्म करने के लिए उसी तो बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं हम उसे। तो ये क्या चाहते हैं हम, कम से कम हो, ये हम क्या चाहते हैं, इट शुड बी स्मॉल। ग्रेट विनोद ने आपने सही आंसर दिया, बट पहले आपने गलत दिया, अब सही दिया, स्पेसिफिक लिखा था। ओके तो स्पेसिफिक हीट कम से कम होनी चाहिए, जितनी कम होगी हम कहेंगे यार ये अच्छा है, ये वर्किंग फ्लूड अच्छा है, ये जल्दी गर्म हो रहा है ना, ये जल्दी हो जाएगा गर्म। हम चाहते ही ऐसा है, हर जगह पे हम ऐसा ढूंढते हैं। इवन ना देखो पैदल जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं, कार पे जाते हैं, हर जगह पे हम ये ढूंढते हैं कि कहाँ पे शॉर्टकट पड़ेगा। हम ना पैदल चल रहे होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक पक्की सड़क बनी होगी, जहां से हम चल के आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन यहां से अगर कोई ग्राउंड है ना, तो भाई साहब कुछ भी लगा लो, चाहे ग्राउंड में मिट्टी पड़ी हो, चाहे पत्थर पड़े हो, चाहे वहां पे गोबर पड़ा हो, चाहे वहां पे कुछ भी हो रखा हो, कीचड़ हो, लेकिन हम अपनी एनर्जी बचाने के लिए यहां से हम ग्राउंड में से ही जाते हैं, पता नहीं क्या है। यहां पक्की सड़क छोड़ के हम चाहते हैं कि ग्राउंड में से निकल जाएंगे, क्यों? क्योंकि एनर्जी कम लगेगी, क्योंकि टाइम कम लगेगा। हम चाहते हैं कि नहीं भाई, ठीक है, हम चाहते हैं कि इधर से जाएंगे तो भाई टाइम लगेगा, यहाँ ग्राउंड में से निकल जाते हैं, चाहे जो मर्जी पड़ा हो, टेढ़े मेढ़े पत्थर हो, गोबर पड़ा हो, बच्चे खेल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राउंड में से ही जाना है मुझे। और पैदल में तो इवन ये देखना कि ग्राउंड में वहां पे रास्ता बन रखा होता है, पैदल चल चल के ना रास्ता बना रखा होता है लोगों ने, इतना पैदल चले होते हैं वहां पे सामने सीधा जाने के लिए कि वहां पर रास्ता भी बन जाता है। तो हम इंसान है, इंसानों ने भाई साहब दिमाग हर जगह ये लगाया कि कैसे एनर्जी कम से कम लगे, तो इसलिए ये कहते हैं कि कम से कम हमारे पास स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए किसी भी सब्सटेंस की। लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, तो लो टेम्परेचर ये वाला करवाना, चलो लिख लेते हैं इसको भी, कोई बात नहीं। लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन ये क्या होती है, ठीक है, ये क्या होती है, प्रोड्यूस लेस क्वांटिटी ऑफ टार देन हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, ठीक है। कौन बोलना चाहता है बच्चे, अभी बोलिए, अभी बोलिए, फिर अभी आपने हैंड रेज करा था, हैंड रेज बेटा तभी करना है जब आपको कोई मेरे से बात करनी है, लाइव आप मेरे से बात कर सकते हैं अगर आपने बात करनी है तो। ओके ओके, लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन इज मेनली प्रोड्यूसिंग सोप स्मोक लाइक डोमेस्टिक कोक, इज मेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेटलर्जी कोक, प्रोड्यूसेस हायर टेम्परेचर गैस देन द हायर टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर जो है बेटा वो हमारा इज मेनली प्रोड्यूसिंग स्मोकलेस डोमेस्टिक कोक। तो ये कार्बोनाइजेशन करते हैं बेटा, कार्बोनाइजेशन करते हैं जिसके कारण हमारे पास कोक वगैरह ये बनाए जाते हैं, तो ये मेनली प्रोड्यूसिंग करते हैं स्मोकलेस डोमेस्टिक कोक बनाने के लिए। ओके तो आगे चलते हैं, गैस कूलिंग एज कंपेयर टू वाटर कूलिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो गैस कूलिंग जो करते हैं एज कंपेयर टू वाटर कूलिंग, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम पानी की जगह गैस कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं, कैन नॉट अटेन एट हाई टेम्परेचर, इज मोर एफिशिएंट एज गैस हैज हायर स्पेसिफिक हीट, ये आ गया ना हायर स्पेसिफिक हीट, पानी की जगह उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, कैन प्रोड्यूस ओनली सैचुरेटेड स्टीम फॉर फीडिंग टू पावर पावर टर्बाइन, नन ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका क्या आंसर होगा, 19 का बेटा, 19 का, तो हमारे पास क्या होना चाहिए इसका, ठीक है, गैस कूलिंग। तो गैस कूलिंग में बेटा ये क्या है, तो इसमें से नन ऑफ द अबव ये हमारे पास क्या है, तो हमारे पास इसमें से कोई आंसर सही नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। गैस कूलिंग हमारे पास जो होती है वैसे जो होता है, जो वाटर कूलिंग है वो ज्यादा हमारे पास इफेक्टिव मानी जाती है, जो हम वो क्योंकि हमारे पास वही यूज कर लेते हैं, हमारे पास, ठीक है, तो गैस कूलिंग नहीं मोस्टली यूज करते।
तो हमारे पास ये होगा, ठीक है। ग्रॉस हेड इज द डिफरेंस बिटवीन, तो ये अगेन वही आ गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा बता दूंगा बेटा इसके बारे में, ठीक है। ग्रॉस हेड क्या होता है, ग्रॉस हेड क्या होता है, ये डिफरेंस होता है, ग्रॉस हेड क्या होता है, डिफरेंस होता है हेड रेस एंड टेल रेस के बीच में, ठीक है। हेड रेस एंड टेल रेस के बीच में ये डिफरेंस है, इसको ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। एनीवन, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी ने कोई बात करनी, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने? नहीं तो बेटा मेरी तरफ से इतने एमसीक्यू बहुत है, ठीक है, मेरी तरफ से इतने एमसीक्यू बहुत है। एमसीक्यू की कोई अंत नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि इसका एंड हो जाएगा, इसका एंड नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, जितने मर्जी आपको करवाता रहूं, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से जितने करवाना चाहता था वो मैंने मेन मेन करवा दिए हैं। इसके अलावा अगर कुछ होंगे आपके पास वो मुझे सेंड कर दिया करो, ठीक है। जैसे कल ही मुझे इन्होंने भेजा था, विनोद जी ने, तो विनोद जी ने भेजा था कि सर ये वाला कैसा होगा, तो मैंने आपको बता दिया था उनको, ठीक है, ठीक है। आज नए थे क्वेश्चन जी बेटा, तो आप बेटा ज्यादा से ज्यादा कीजिए। डाल्टन्स लॉ छोड़ रखा है, डाल्टन्स लॉ बता दूंगा, ठीक है। मुझे जो भी टॉपिक रह जाए, ठीक है, देखो मैं अगेन कहता हूं, बहुत बड़ी है थर्मोडायनेमिक्स, बहुत ज्यादा बड़ी है, कुछ ना कुछ रहेगा। मैं ऐसे नहीं कहता कि कुछ ना कुछ हर चीज हो जाएगी, जो भी रहेगा आप मुझे बता दो, उसके ऊपर वीडियो आपके ऐप के अंदर आ जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, कल दोबारा मिलते हैं, ठीक है। डाल्टन लॉ मैं करवा दूंगा बेटा, ओके।